नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। बागेश्वर जिले के मालता में बने डंपिंग यार्ड में कुछ लोगों की ओर से आग लगा दी जा रही है, जिसके चलते लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। वहीं इसको लेकर नगर पालिका ने कूड़े में आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। बागेश्वर जिले के मालता में लंबे समय से डंपिंग यार्ड बना हुआ है, वहीं इस क्षेत्र में पुलिस लाइन भी है। बता दें कि बागेश्वर की सारी गंदगी मालता में फेंकी जाती है, जिससे मालता के ग्रामीणों समेत पुलिस लाइन में पुलिस परिवार का गंदगी और बदबू से रहना दुभर हो गया है। इस दौरान मालता के ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोगों की ओर से कूड़े में आग लगा दी जा रही है, जिसके चलते बदबू और ज्यादा बढ़ रही है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसको लेकर नगर पालिका के ईओ सतीश कुमार ने कहा कि नगर पालिका की ओर से डंपिंग ग्राउंड की सफाई की जा रही है और जो भी उस कचरे में आग लगा रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और अगर कूड़े में आग लगाने वाला व्यक्ति पकड़ा गया तो उसके खिलाफ चलानी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि डंपिंग यार्ड के लिए पैसा आ चुका है और जैसे ही उसकी डीपीआर बनती है तो कूड़ा घर बनाया जाएगा, जिससे लोगों को गंदगी से राहत मिल सकेगी। इस संबंध में बताना चाहूंगा कि जो टंचिंग नगर क्षेत्र में बागेश्वर नगर क्षेत्र का टंचिंग ग्राउंड बनना है वो पगना में स्थित है। पगना में जमीन आवंटित हुई है, जमीन चेंज होने के कारण इसमें डीपीआर का भी चेंजिंग की गई है, जो जल्दी स्वीकृत होने के बाद उसका निर्माण कार्य जल्दी करा दिया जाएगा।